हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल GKD स्टडी में। दोस्तों, आज कल हमने एक वीडियो बनाई थी RSAT क्वेश्चंस के लिए, और आज मैं सेकंड वीडियो लेके आया हूँ, वह भी RSAT क्वेश्चंस के। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो पिछला वीडियो देख लो, और आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन में पेश किया गया था। माइक्रो प्रोसेसर वो कौन सी जनरेशन में पेश किया गया था। हमारे को यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है पहली जनरेशन, दूसरा ऑप्शन है दूसरी जनरेशन, तीसरा ऑप्शन है तीसरी जनरेशन, और चौथा ऑप्शन है चौथी जनरेशन। और इसका सही उत्तर होगा चौथी जनरेशन, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी जो प्राकृतिक रूप से अस्थिर है, वह मेमोरी कौन सी है जो प्राकृतिक रूप से अस्थायी मेमोरी होती है। प्राकृतिक रूप से अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है। प्राकृतिक रूप से अस्थायी मेमोरी होती है रैम, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का बुद्धिमत्ता मतलब IQ स्तर होता है, IQ लेवल कितना होता है कंप्यूटर का। कंप्यूटर का IQ लेवल होता है 0। इसका ऑप्शन नंबर और सही हो गया ए। कंप्यूटर के अंदर सोचने की क्षमता होती है वो बिल्कुल भी नहीं होता है। कंप्यूटर अपने आप कोई काम नहीं होता, उस जितना वो हम काम करवाते हैं उतना ही काम करता है, अपने आप से वो कोई काम नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का सबसे मूलभूत कौन सा प्रोग्राम है। कंप्यूटर का सबसे मूलभूत कौन सा प्रोग्राम है। सबसे मूलभूत प्रोग्राम इनमें से कौन सा, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम, और इनमें से कोई नहीं। सबसे मूलभूत प्रोग्राम कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग प्रणाली जब एक साथ एक से अधिक अनुप्रयोग पर कार्य करता है तो वह योग्यता क्या कहलाती है। अगर ऑपरेटिंग प्रणाली जब एक साथ एक से अधिक अनुप्रयोग पर कार्य करता है तो वह योग्यता क्या कहलाती है। इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन है बूटिंग, दूसरा ऑप्शन है ट्रेडिंग, और तीसरा मल्टीग्रेडिंग, और चौथा है मल्टीटास्किंग। एक से अधिक अनुप्रयोग अनुप्रयोग करता है तो वह क्या होता है, टास्क टास्क होता है, और टास्क होता और एक अनुप्रयोग होता है वह टास्क होता है, और एक से अधिक मल्टी, ठीक है, तो मल्टीटास्किंग इसका सही ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRC से क्या अभिप्राय है। IRC से क्या अभिप्राय है। IRC से अभिप्राय है इंटरनेट रिले चैट। IRC का फुल फॉर्म है इंटरनेट रिले चैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान कंप्यूटर की एक नई भाषा जिससे वर्ल्ड वाइड वेब के लिए एनिमेशन और गेम खेले जाते हैं। कंप्यूटर की एक ऐसी कौन सी भाषा जिससे वर्ल्ड वाइड वेब के लिए एनिमेशन और गेम्स खेले जाते हैं, कौन सी है वह भाषा है, कौन सी भाषा है वह भाषा है जावा, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प है। ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए इनमें से सही विकल्प कौन सा है। इसमें से सही विकल्प है इसका ईमेल, उनमें हमेशा @ होना चाहिए, यह बात सही है, और उनमें कभी खाली स्थान नहीं होता, यह बात भी सही है। तो ए और बी दोनों सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो गई। जैसे कि कोई भी ईमेल है उसके अंदर @ होना चाहिए। जैसे कि कोई भी ईमेल हो, कोई भी, जैसे कि xyz@gmail.com, और इसके अंदर ये @ होता है, ये होना चाहिए, और इनके बीच में यहाँ पर कोई भी खाली स्थान नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीवर्ड्स की मदद से यूजर को डाटा खोजने की सुविधा प्रदान करने वाली वेबसाइट कहलाती है। कीवर्ड्स की मदद से यूजर को डाटा खोजने की सुविधा प्रदान करने वाली वेबसाइट क्या कहलाती है। इसके अंदर चलिए सबसे पहले इसके ऑप्शन देखते हैं, चैट इंजन, राउटर, वेब सर्वर और सर्च इंजन। इसका सही उत्तर हो गया सर्च इंजन है। इसके द्वारा कीवर्ड्स की मदद से यूज़र को डाटा खोजने की सुविधा प्रदान करता है सर्च इंजन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम का मतलब है, आई एम का मतलब क्या है, आई एम का मतलब क्या होता है, इंस्टेंट मैसेजिंग, आई एम का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म है इंस्टेंट मैसेजिंग, CVV, सुरक्षा कोड कितने अक्षरों में होता है, CVV सुरक्षा कोड कितने अक्षरों में होता है, ऑप्शन नंबर A 1, ऑप्शन नंबर दो में, ऑप्शन नंबर 3 3, और ऑप्शन नंबर 4 4। तो सुरक्षा कोड होता है वो 3 नंबर में होता है, हमारे जैसे कि ये ATM कार्ड है, और इस ATM कार्ड में यहाँ पर सुरक्षा कोड लिखे हुए होते हैं, इतनी दूर में तो ब्लैक कलर होता है इतनी दूर में, और यहाँ पर सुरक्षा कोड लिखे हुए होते हैं 3 अक्षर के होते हैं, जैसे कि 1 5 2 3, 1 5 3 4 3 2, ऐसे कितने भी कोई से भी 3 सुरक्षा कोड होते हैं यहाँ पर, ठीक है, उसे CVV सुरक्षा कोड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया और लॉन्च किया गया है, भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया और लॉन्च किया गया क्या है, रुपए, वीज़ा, मास्टर और मेस्ट्रो, तो इसका सही ऑप्शन हो गया रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम पर आधारित एक एकीकृत भुगतान समाधान एप्लीकेशन है, भीम पर आधारित एक एकीकृत भुगतान समाधान एप्लीकेशन है क्या है, इसका सही उत्तर हो गया UPI, ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने स्कूलों में शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए और डिजिटल इंडिया की अवधारणा वास्तविकता में बदलने के लिए किस शैक्षणिक पोर्टल को शुरू किया, राजस्थान सरकार ने स्कूलों में शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए और डिजिटल इंडिया की अवधारणा वास्तविकता में बदलने के लिए किस शैक्षणिक पोर्टल की शुरुआत की, ऑप्शन नंबर ए है राजीव ज्ञान, ऑप्शन नंबर बी है सूर्य ज्ञान, और ऑप्शन नंबर सी है राज समाधान, और ऑप्शन नंबर डी है समाधान, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सही राजीव ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्तव्य का क्वेश्चन है, वक्तव्य 1, स्कूल के लिए होमवर्क बच्चों के मनोरंजन सोशल मीडिया आदि पर कंप्यूटर के उपयोग है, स्कूल के होमवर्क बच्चों के मनोरंजन सोशल मीडिया आदि घर पर कंप्यूटर के उपयोग है, ये बात बिल्कुल सही है। वक्तव्य 2 नंबर 2 है, स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल लाइब्रेरी आदि शिक्षा में कंप्यूटर का उपयोग लिया जाता है, यह बात भी सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा कौन सा है, ए ऑप्शन नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EPDS प्रणाली के संदर्भ में BPL का पूरा रूप क्या है, EPDS प्रणाली के संदर्भ में BPL का पूरा रूप क्या है, सबसे पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बिलो पावर्टी लाइन, ऑप्शन नंबर बी है ब्रांडेड ओवर पावर लाइन, ऑप्शन नंबर सी है ब्रिटिश फिजिकल लेबोरेटरी, ऑप्शन नंबर डी है ए और सी दोनों, तो इसका सही ऑप्शन होगा बिलो पावर्टी लाइन, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक SSO पंजीकरण किस विकल्प के द्वारा कर सकता है, नागरिक SSO पंजीकरण किस विकल्प के द्वारा कर सकता है, किस विकल्प के द्वारा कर सकता है, भामाशाह कार्ड और जन आधार इसके द्वारा कर सकता है, आधार कार्ड और जीमेल अकाउंट इसके द्वारा भी कर सकता है, और फेसबुक के द्वारा भी कर सकता है, तो इसका सही उत्तर हो गया उपरोक्त सभी, इन तीनों के माध्यम से वह है ना कोई नागरिक SSO का पंजीकरण कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EVM का पूरा नाम है, EVM का पूरा नाम क्या है, EVM का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, EVM का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक डिवाइसों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए एक लोकप्रिय एप्लीकेशन है कौन सी है, प्ले स्टोर, GPS, गूगल मैप और शेयर इट, इसका सही उत्तर होगा शेयर इट, ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है, मोबाइल में स्क्रीन लॉक विकल्प है, मोबाइल में स्क्रीन लॉक विकल्प कौन सा है? स्वाइप है, पैटर्न और पिन है, और पासवर्ड भी है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी सही। तो आज हमने कुल 20 क्वेश्चंस पढ़े, और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। बाकी की बातें करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।